start another carrier system so another carrier system that is neosomes i have already told before you know what is carrier system this is the carrier which will be carrying your drug till the targeted site and this carriers will be releasing your drug till releasing your drug to the targeted site for your expected and desirable therapeutic activity so today's carrier system is neosomes न्योज़ोम्स इज सिमिलर लाइक लाइपोजोम्स इट्सल्फ बट इट इज़ ए मोडिफिकेशन लाइपोज़ोम्स के जो भी मॉडिफिकेशन्स करने हैं या फिर लाइपोज़ोम्स के जो आपके रेक्टिफाई करने हैं या फिर जो एडवर्स इफेक्ट है लाइपोज़ोम्स के वो सारा ओवरकम करने के लिए वी आर यूजिंग और वी आर फॉमुलेटिंग न्योज़ोम्स सो फर्स्ट विल सी वॉट इज़ न्योजोम्स ठीक है न्यूजोम्स इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू लाइपोजोम्स अगर आपको लाइपोजोम्स यूज नहीं करना है इंस्टेड ऑफ लाइपोजोम्स वी कैन यूज वी कैन यूज न्यूज़ोम्स वाई लाइपोजोम्स में हम क्या यूज करते हैं वील बी यूजिंग लिपिड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्वा सोलवेंट ठीक है लेकिन यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज नॉन आयनिक सफेक्टेंट हम यहाँ पे इंस्टिड ऑफ़ लिपिड्स वी आर यूजिंग नॉन आयनिक ई इट इज नोन एज योर न्योजोम इज नोन एज नॉन आयनिक वेसिकल्स ठीक है वेसिकल्स आपको पता ही है इट्स सिमिलर लाइक लाइपोजोम्स इट इज़ ए सर्कुलर शेप कंसेंट्रिक शेप कैरियर सो दैट इज़ अ वेसिकल इट इज़ लाइक ए कंटेनर जिसमें आपको आपके ड्रग को एंट्रैप करना है बट इट इज़ अ नॉन आयनिक्स अफेक्टेड यू नो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेक्टेंस एन आइनिक

जो लेयर आपके जो लैमुलर स्ट्रक्चर बनेंगे इट कैन बी मोर देन वन इन मल्टीलैमुलर एंड इन यूनी लैमुलर इट इज़ ओनली वन ठीक है नेक्स्ट नॉन आयनिक सफेक्टेंट वी आर यूजिंग द फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग न्योजोम दैट इज़ नॉन आयनिक सफेक्टेंट नेक्स्ट हम एक्वा सोल्यूशन जो हम लाइपोजोम्स में भी लेते हैं एक्वा सोल्यूशन विच इज यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट ना वाट इज दैट सोल्यूट सोल्यूट इज योर ड्रग ड्रग आपको पता है ड्रग दैट इज विच हैज टू बी एंट्रैप्ट इनसाइड द न्यूजोम्स दैट इज योर एक्वस सोल्यूशन आपका जो सोल्यूट होगा जो ड्रग होगा वो आप एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे डिजोल्व करने के बाद उस एक्वस सोल्यूशन में आप नॉन आयनिक अफेक्टेंट को ऐड करेंगे

macromolecules as the bilayers. sorry thicke? so your layers banenge, that will be from the surfactant macromolecules as the bilayer so it is mainly it is an alternative to liposomes thicke? next it is prepared from nonionic surfactant i'll tell you why we are using the non nonionic surfactant i'll tell you later in the coming slides and in this nonionic surfactant this aqueous solution of solute solute is your drug जिसको आपको एंट्रैप करना है दिस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट विल बी एनक्लोज द मेम्ब्रेन, दैट इज योर मेम्ब्रेन है दैट विल एनक्लोज़ योर ऑफ़ द सोल्यूट ठीक है सो दिस इज द इंट्रोडक्शन नेक्स्ट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूजोम दिस इज ऑलमोस्ट सेम सो वी हैव बोथ वन पोलर हाइड्रोफोबिक स्टेल सो दिस न्यूजियम इज ऑल्सो एम्पीफिलिक पॉलीमर दिस न्यूजियम इज ऑल्सो एम्पीफिलिक पोलीम दैट मीन्स आपका जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो अगेन इट विल बिकम यू कैन टेक बोथ द वॉटर सोलिबल एंड लिपिड सोलिबल ड्रग्स दैट इज यो हाइड्रोफिलिक ड्रग एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग यू कैन टेक बोथ द ड्रग्स फॉर एनक्लोजिंग और एंट्रेपिंग इन द न्यूजम्स ठीक है सो दिस इज द स्ट्रक्चर

सो न्यूजम्स आर बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल मैंने दैट इज सिमिलर लाइक लिपोजोम्स लिपोजोम्स जो है आपको डिग्रेड जब भी आप फॉर्मुलेट एडमिनिस्टर करोगे आपके बॉडी में इट इट शुड बी डिग्रेड इट शुड बी डिग्रेड विद द एन्वायरमेंट इन साइड योर बॉडी आपके बॉडी में जो एनवायरमेंट है जो पी एच है उसमें ही आपका डिग्रेड कर जाना चाहिए और इजीली वो एक्सक्रिएट हो जाना ज़रूरी है आपके बॉडी से biocompatible that is it should be compatible with the drug. It should be compatible with your body nature, body environment, body pH, body fluids, it should be non-toxic, it should be inert, it should be completely, it should not give any sort of uh, therapeutic activity, it will it is only function is to release the drug to the targeted site. Next immunogenic नॉन इम्यूनोजेनिक दैट इज़ आपके बॉडी के जो इम्यूनिटीज़ है आपके बॉडी का जो इम्यूनोलॉजिकल ऑर्डर है इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है उसको आपका न्यूजोम्स कोई भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए दैन नॉन कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक यू नो दैट इज़ द कैंसरज इट शुड बी नॉन कार्सिनोजेनिक इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी कैंसरज इफेक्ट ऑन योर बॉडी नेक्स्ट नॉन आयनिक सफेक्टेंट आई हैव टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन दैट वी आर प्रिपेयरिंग योर न्योजोम्स विद नॉन आयनिक सफेक्टेंट सो सफेक्टेंट के साथ एक चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है एक टर्म है जिसको हम रिलेट करते हैं दैट इज योर एच एल वी वॉट इज एच एल बी एच एल बी इज नथिंग बट हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सो सफेक्टेंट को जब भी आप चूज करोगे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर फॉर्मुलेटिंग योर न्योजोम्स आपको सफेक्टेंट का सबसे पहले एच वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना है आपको कंसिडर करना है कि आपके सफेक्टेंट का एच वैल्यू कितना है तभी आपका जो ये नॉन आयनिक सफेक्टेंट जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आपका न्योजोम्स सफेक्टेंट माइक्रोमोलिकल्स से बनेगा ठीक है सो इट इज़ इट विल बी प्रिपेयर जब आप एक प्रॉपर एच एल वैल्यू को फॉलो करोगे वैल्यू इज नथिंग बट हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस ठीक है नेक्स्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द कॉम्पोन केमिकल नेचर ऑफ द कॉम्पोन मतलब आपका आपके बॉडी आपके जो अदर आपके जो ड्रग में जो अदर कॉन्स्टिट्यूंसेस हैं अदर एडिटिव्स है या फिर आपके ड्रग का क्या केमिकल नेचर है क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं उन उन चीज़ों के ऊपर भी आपका ये नॉन आयनिक अफेक्टेंट बाई फॉर्मेशन ऑफ नॉन आयनिक अफेक्टेंट बाई इज डिपेंडेंट नेक्स्ट क्रिटिकल पैकेजिंग पैरामीटर दैट इज वन वैल्यू जिसके ऊपर आपका न्यूजोम्स का फॉर्मेशन डिपेंड करता है जब आपको वेसिकल चाहिए या स्फेरिकल चाहिए ये मेनली

क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज कम्प्लीटली आपके न्योजोम्स की प्रॉपर्टीज कम्पलीटली इन दो चीजों पे डिपेंड करता है ठीक है सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूजोम्स इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल इट शुड बी बायो कम्फर्टेबल इट शुड बी नॉन टॉक्सिक इट शुड बी नॉन इम्यूनिजेनिक एंड इट शुड बी नॉन का ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट विल सी वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूजोम्स न्यूज़म्स कैन बी डिलीवर टू द स्पेसिफिक टारगेटेड साइट सो कैरियर सिस्टम है आपके ड्रग को वो कैरी करेगा टू द स्पेसिफिक जिस बॉडी जिस जिस साइट पे आप प्रेडिक्ट करोगे कि उस साइट में जाके आपका न्यूज़ोम आपके ड्रग को रिलीज करेगा न्यूज़ोम उसी टारगेटेड साइट में जाके सो उसी टारगेटेड साइट में जाके न्यूज़ोम आपके ड्रग को रिलीज करेगा सो so, आपने अगर एडिपोज टिश्यू प्रेडिक्ट किया था फॉर्मुलेशन के टाइम पे न्यूजोम्स के लिए तो न्यूजोम्स आपके ड्रग को एडिपोस टिश्यू में ही डिलीवर करेगा नेक्स्ट लेस अमाउंट ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड सो जो ड्रग का डोज है वो हम कम दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टीड ऑफ जब ओरली लेते हैं हम पैरासीटामोल हम लेते हैं नियर अबाउट सिक्स हंड्रेड एम ठीक है सो टू गेट द डिज़ायर थेराप्योटिक फ़ीवर को कम करने के लिए जो पैरासीटामोल हम लेते हैं नीयर अबाउट सिक्स हंड्रेड एम जी हम लेते लेते हैं लेकिन सो so, लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूजोम्स यूज करोगे इंस्टिड ऑफ़ दैट मच हाई डोसेज यू कैन यूज़ लेस अमाउंट ऑफ डोज टू गेट योर डिजायर थेरापटिक इफेक्ट ठीक है जो आपको डिजायर्ड थेरापी जैसे फीवर को कम करने के लिए अगर आप न्यूजूम्स उस ड्रग को आप न्यूजूम्स में एंट्रैप करोगे तो आपको कम डोज दे सकते हो कम डोज आप अप्लाई कर सकते हो टू रिड्यूस योर फीवर लेस एडवर्स इफेक्ट दैट इज ऑल टागर सिस्टम हैज लेड लेस एडवर्स इफेक्ट्स क्योंकि वो एफेक्टेड सेल्स में इफेक्ट अन एफेक्टेड सेल्स में वो इफेक्ट नहीं करता थेरापियोटिक एफिकेसी कैन बी इम्प्रूवड कैसे हम थेरापेटिक एफिकेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाई क्लियरेंस बाई इंक्रीजिंग द क्लियरेंस रेट एंड प्रोटेक्टिंग द एनकैप्सुलेटेड ड्रग ठीक है सो क्लियरेंस रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं आपके ड्रग की एंड आपके जो एनकेप्सुलेटेड ड्रग है आपका ड्रग कहीं पे भी अदर देन रीचिंग या बिफोर रीचिंग योर टारगेटेड साइट आपका ड्रग कहीं पे भी लीक नहीं होना है कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होना है दैट शुड बी टेकन इन केयर न्यूजम्स विल न्यूजमिल टेक विल टेक इन केयर कि आपका जो ड्रग है वो पूरा जो रूट ऑफ टिल रीचिंग योर टारगेटेड साइट आपका ड्रग प्रोटेक्टेड रहे एज सच रहे जैसा आपने उसको एंट्रैप करने के टाइम वो था सो ताकि रिलीज एरिया में जाके दैट इज टारगेटेड साइट में ही जाके वो अपने आप को अपनी थेरापटिक एक्टिविटी को प्रॉपरली डिलीवर कर सके ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ियम इज डेफिनेटली दैट इज़ फ्रॉम द नेचर ऑफ योर न्यूजम फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ़ योर न्यूजियम दैट इज इट इज़ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स इट कैन बी न्योजोम से हम दोनों तरीके के दोनों कैटेगरीज के ड्रग को हम डाल सकते हैं एंड्रैप कर सकते हैं दैट इज़ बोथ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स एंड द हाइड्रोफोबिक ड्रग्स ठीक है बिकॉज़ योर न्योज़ोम इज एम्पीफेटिक इन नेचर डिसएडवाटेजेस एक्वासस्पेंशन में शो लीचिंग और हाइड्रोलाइसिस लीचिंग का मतलब रिमूवल ऑफ केमिकल्स सो डिसवांटेज एवरीथिंग वॉट एवर यू आर फॉर्मुलेटिंग एवरीथिंग हैज़ समिसएडवाटेज विथ द एडवांटेज ठीक है सो जो आपका एक्वासस्पेंशन बनता है आपके न्यूज का वो आपके एंट्रेप ड्रग की लीचिंग कर सकता है या हाइड्रोलाइसिस लीचिंग इज देन योर रिमूवल ऑफ केमिकल्स आपके ड्रग्स सम केमिकल्स को वो रिमूव कर सकता है सो द शेल्फ लाइफ विल बी द शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा ठीक है प्रिपरेशन टाइम इज वेरी मच टाइम टेकन प्रोसेस आपको ज़्यादा टाइम की जरूरत होगी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आपको न्यूजम्स प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड मतलब एक अच्छी अच्छी इक्विपमेंट की जरूरत होगी विध ए ट्रेन एंड पर्सन टू फॉर्मुलेट न्यूज ड्रग लोडिंग वुड नॉट सफिस ड्रग लोडिंग मतलब प्रॉपर तरीके से न्यूज में कभी कभी ड्रग की लोडिंग नहीं होती है सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूजूम्स ना वेलकम टू योर टाइप्स ऑफ न्यूज वी है ऑन द साइज ऑफ द न्यूजम्स सो फर्स्ट वन इज स्मॉल यूनिलेमर वेसिकल आपको यहाँ से पिक्चर डायग्राम से पता चल रहा है जो पार्टिकल साइज है जो साइज है जो साइज है न्यूजोम का वो छोटा है ठीक है नेक्स्ट लार्ज यूनिमुलर वेसिकल दैट इज यू कैन सी इससे जो लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल का साइज है वो बड़ा है नेक्स्ट इट इज़ योर मल्टी लेमिनर वेसिकल सो इससे और ज़्यादा बड़ा है और जो लेमिनर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है लेकिन यहाँ पे यू हैव डिफरेंट यहाँ पे थ्री लेयर्स यू कैन सी यू हैव थ्री लेयर्स सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मल्टी मल्टीलैमिनल जो आपका लेमिनल स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक से ज़्यादा लेयर बन रहा है ठीक है लेकिन इन दोनों में आपका सिर्फ एक ही लेयर मिल रहा है दैट इज इट इज़ यूनिलेमिनर वेसिकल Uh, large small and large and this is multilamellar vesicles. Okay? Next composition of liposomes it is lamellar structure. Lamellar structure I have already told and basic components nonionic surfactant cholesterol and charge inducing molecule. Okay? So, basic component uh, nonionic surfactant will be using nonionic surfactant for preparing your uh, preparing your neosomes cholesterol to give rigidity to give stability to your neosomes and charge inducing that is to give charges to your uh, charges to your neosomes. So, first is your non ionic surfactants, surfactants are amphiphilic in nature you know that it is both it has both uh, both affinity for both hydrophilic and hydrophobic drug. लिपोफिलिक चेन इज मेड अप ऑफ एल्केन्स फ्लोरोकार्बन्स, एरोमेटिक्स एंड अदर नॉन पोलर सो आपका जो लिपोफिलिक जो लिपिड लिपिड का जो चेन है वो आपका बनेगा फ्रॉम दिस ऑल दिस काइंड ऑफ नॉन पोलर ग्रुप्स जहाँ पे आपका वाटर या एक्वस एक्वस फेज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है सो दिस विल बी योर टेल जो यहाँ पे हमने देखा था जो टेल है आपका वो टेल आपका बनेगा एल्केन्स आपके नॉन पोलर नॉन पोलर ग्रुप्स एनी नॉन पोलर ग्रुप्स से आपका आपका टेल बनेगा और जो हेड आपका है दैट इज सॉल्वेटेड हाइड्रोफिलिक ग्रुप नाउ व्हाट इज आई विल गिव वन दिस इज फॉर एग्जांपल एन प्लस एंड एच टू ओ एच टू ओ एंड एच टू ओ सो सॉल्वेशन का मतलब है आपका जो सोडियम आयन है वो कंप्लीटली सराउंड करेगा बाय वाटर मॉलिकुल्स ठीक है आपका जो सोडियम आयन है वो वाटर मॉलिकुल से सराउंड करेगा सो so, जो सोडियम आयन है वो आपका बन जाता है सॉल्वेटेड आयन्स सो सोडियम आइंस सोडियम आयन यहाँ पे सोलवेटेड आयन है सो जो आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो सोलवेटेड रहेगा दैट इज इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मोलिकुल्स सो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे सल्फोनेट्स, कार्बोक्सिलेट्स फोस्फोनेज एंड एमोनियम डिराइवेटिव्स सो आपके जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो कम्प्लीटली सराउंडेड होंगे विद द वाटर मॉलिकल्स ठीक है एंड दिस इज सराउंडिंग ऑफ द सराउंडिंग ऑफ़ मॉलिकूल्स बाय वाटर मॉलिकूल इज नोन एज सॉल्वेशन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉल्वेटेड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स ठीक है और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो हम यूज कर सकते हैं इन प्रिपेयरिंग न्यूजोम्स एल्कालेकालेटर्स एंड अमाइड्स नेक्स्ट इज कोलेटेरॉल कोलेटेरॉल दैट इज इट इज इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन हाई मोलिकुलर रेशियो आप अपने लिपिड बाई लेयर में आप अपने नॉन आयनिक सफेक्टेंट के बाय लेयर में कोलेस्टरॉल को इनकॉर्पोरेट करोगे एट हाई मोलिकुलर रेशियो इट विल मैनिपुलेट द बाइलेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कोलेस्टरॉल आपके मोलिकुलर आपके जो आपके नॉन आयनिक सफेक्टेंट्स का जो बाय लेयर है उसके कैरेटरिस्टिक्स को वो चेंज कर सकता है ठीक है सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है बिंग एम्फिफेटिक इन नेचर जो ओएज OH ग्रुप है वो आपके एक्वस फेज की तरफ ओरिएंटेशन होगा उसका और जो एलिफेटिक चेन है दैट विल बी ओरिएंटेड टूअर्स द हाइड्रोकार्बन चेन सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलेस्टेरॉल आपके नॉन आयनिक सफेक्टेन का जो ओएज OH ग्रुप है दैट विल बी ओरिएंटिंग द एक्वस फेज एंड द एलिफेटिक चेन विल बी अलाइनिंग पैरेलल टू द हाइड्रोफिलिक चेन सॉरी हाइड्रोकार्बन चेन नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोलेस्टरॉल आपको यहाँ पे क्या क्या वो प्रोवाइड करेगा आपके कोलेस्टरॉल के एडिशन के लिए एडिशन व्हाट इट विल प्रोवाइड मेम्ब्रेन पमिबिलिटी रिजिडिटी एंड कैप्सुलेशन एफिकेसी सो जब कोलेस्टरॉल आप न्यूजोम्स में ऐड करोगे ये सारी चीज़ें ये आपके न्योजोम्स के प्रॉपर्टीज़ में ऐड होंगे दैट इज़ मेम्ब्रेन पमिबिलिटी रिजिडिटी एंड कैप्सुलेशन एफिकेसी नेक्स्ट वेसिकल एग्रीगेशन को वो प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन मतलब क्लम्स बनना क्लस्टर्स बन जाना एक साथ सारे एक साथ आ जाना दैट इज नोन एज वेसिकल एग्रीगेशन सो इसको वो प्रिवेंट करता है बाय प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू योर स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूजोम्स ठीक है सो बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस या फिर स्टेरिक सिस्टम सो आपका जो यहाँ पे एग्रीगेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्टेरिक फोर्सेस सो इसको रोक के आपके इसको रोक के आपके जो एग्रीगेशन है उसको कोलेस्टोरॉल प्रिवेंट करता है ठीक है नेक्स्ट अभी हमने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑल शुड बी बैलेंस्ड वो जो बैलेंस होता है दैट इज़ ड्यू टू द चार्ज इंडक्शन मॉलिकल सो न्यूज को टू एनहेंस द स्टेबिलिटी बाई प्रिवेंटिंग द एग्रीगेशन वही है दैट इज जो आपका यहाँ पे स्टेडिक और इलेक्ट्रिस फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे चार्ज इंड्यूसिंग मॉलिकल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं सो दैट आप एग्रीगेशन और क्वालसिंस को प्रिवेंट कर सके बाई इंक्रीजिंग बाई एनहेंसिंग द स्टेबिलिटी नेक्स्ट नेगेटिवली टू 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 पॉइंट फाइव परसेंटेज आप एड कर सकते हो and these are the examples of charge inducing molecule these are the several methods of preparations of neosomes shaken method sonication reverse phase evaporation aqueous dispersion extrusion ether injection microfluidization and bubble method shaken method is similar like uh, your liposomes you yeah, have surfactant and cholesterol playing लेंगे आ, ले कर आप रोटेटरी एवेपोरेटर से रोटेट करेंगे रोटेट करने के, के बाद जो आपका एक फिल्म बनेगा फिल्म बनने के बाद आप यहाँ पे वैक्यूम वैक्यूम को प्रोवाइड करेंगे वैक्यूम एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड करते ही आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाएगा एवेपोरेट होते ही आपको एक ड्राइड फिल्म मिलेगा ड्राइड फिल्म मिलने के बाद आपको हाइड्रेट करना है रिहाइड्रेट करना है रिहाइड्रेट करते ही आपको मिलेगा आपका ठीक है सो दिस दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दट इज हैंडशेकिंग मेथड आपको यहाँ पे हम लेंगे सफेक्टेंट एंड कोलेस्टेरॉल सफेक्टेड एंड कोलेस्टेरॉल विथ द ड्रग एंड द ऑर्गेनिक सोलवेंट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर इथर इंजेक्शन इथर इंजेक्शन में आप पहले लेंगे ऑर्गेनिक सफेक्टेंट प्लस कोलेस्ट्रॉल दो राउंड बॉटम फ्लक्स है उसमें पहला आप लेंगे सफेक्टेंट एंड कोलेस्टेरॉल और एक्व सोल्वेंट में ड्रग को आप डिजोल्व करेंगे ठीक है नेक्स्ट दोनों को आप दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो फर्स्ट बॉटल में क्या होगा सफेक्टेंट एंड कोलेस्टेरॉल सफेक्टेट एंड कोलेस्टेरॉल ठीक है नेक्स्ट एक्व सोल्वेंट सॉल्वेंट होगा एक्वा सॉल्वेंट में आप क्या डालोगे आपका ड्रग कौन सा ड्रग जिस ड्रग को आपको न्यूजोम्स में एंट्रैप करना है उस ड्रग को आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे डिजोल्व करने के बाद आप इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज योर एंड कोलेस्टेरॉल एंड द सॉल्वेंट एक्वा सोल्यूशन ऑफ ड्रग दोनों को आप एक साथ मिक्स करोगे मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे इंजेक्ट करोगे इथर आप इन दोनों को इन दोनों सॉल्यूशन में आप इथर को इथर इथर सॉल्यूशन में इन दोनों को आप इंजेक्ट करोगे यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने बनाया है अभी वहाँ पे इन सॉल्यूशंस इस सॉल्यूशन से सॉल्यूशन को आप इंजेक्शन के थ्रू इथर सॉल्यूशन में इंजेक्ट करोगे दैट इज़ विथ ए फोर एम एम आप इथर सोल्यूशन में आप इस सोल्यूशन सोल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्ट करने के बाद आपको जो फाइनल सस्पेंशन मिलेगा दैट विल बी लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल और एस यू वी बिफोर दैट यू हैव टू गो थ्रू थ्रू रोटेटरी एवेपोरेटर ताकि आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली एवेपोरेट हो जाए और आपको एक फाइनल सस्पेंशन मिले दैट इज लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल और स्मॉल यूनिलिनर वेसिकल सो आपको यहाँ पे क्या करना है सफेक्टेड एंड कोलेस्टेल देना है फर्स्ट उसके साथ आप ड्रग सोल्यूशन को ऐड करेंगे और ये जो सोल्यूशन बना है इस सोल्यूशन से सोल्यूशन से इंजेक्शन के थ्रू एक फोर एम एम इंजेक्शन के थ्रू आप इथर सोल्यूशन में इस सोल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन करने के इंजेक्ट करने के बाद आप थ्रू रोटेटरी एवेपोरेटर में रोटेट करेंगे ताकि आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो कम्प्लीटली एवेपोरेट हो जाए एवेपोरेशन के बाद आपको जो मिलेगा फाइनल सस्पेंशन दैट ऑफ लार्ज यूनिम आईद आईद लार्ज यूनिम वेसिकल और स्मॉल यूनिलेमिलर वेसिकल नेक्स्ट इज योर रिवर्स फेज एवेपोरेशन टेक्निक रिवर्स फेज एवेपोरेशन टेक्निक में यहाँ पे क्या हो रहा है सफेक्टेंट ए फिर से हमें हर जगह पे हर, हर जगह पे आपको सफेक्टेंट ही लेना है नॉन आइनिक सफेक्टेंट ही लेना है आपको सो नॉन आयनिक सफेक्टेंट कोलेस्टोरॉल ठीक है इथर प्लस इथर और क्लोरोफॉम ठीक है आपको सफेक्टेंट एंड कोलेस्टरॉल का एक सोल्यूशन लेना है और नेक्स्ट आप लोगे ईथर और क्लोरोफॉम दोनों को आप मिक्स करोगे मिक्स करने के बाद सोनिकेट करोगे एट फोर टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आपके सोनिकेट करोगे आप फोर टू फाइव डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे पहले बिफोर सोनिकेशन यहाँ पे जो हमने सरफेक्टेंट और सरफेक्टेंट कोलेस्टोरॉल एंड ईथर और क्लोरोफॉम का सोल्यूशन बनाया था इसमें हम डालेंगे आपका ड्रग प्लस एक्वस सोल्यूशन उसके बाद हम सोनिकेट करेंगे एट फोर टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इसके बाद डालेंगे हम पी बी एस पी बी एस इज़ नथिंग बट फॉस्फेट बफर सोल्यूशन पी बी एस इज़ नथिंग बट फॉस्फेट बफर सोल्यूशन सो फिर से हम इसको सोनिकेट करेंगे ऑर्गेनिक फेज रिमूव हो जाएगा एट फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड देन आपको जो मिलेगा विस्कस न्यूजोम सस्पेंशन जिसको हम दोबारा डाइल्यूट करेंगे विद पी बी एस पी बी एस इज वट एप सेट नाउ पी वी एस इज फॉस्फेड बफर सोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट आप हीट करोगे ऑन वाटर बाद जो आपको अभी विस्कस न्यूजोम सस्पेंशन को आपने अभी पी वी एस के साथ डायल्यूट किया है उसको आप फिर से हीट करोगे ऑन वाटर बाद एट सिक्सटी डिग्री एट सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टेन मिनट हीटिंग के बाद ही आपको आपका न्यूजोम्स मिल जाएगा ठीक है सो सफेक्टेंट आपको क्या करना है यहाँ पे सफेक्टेंट कोलेस्टेरॉल ठीक है एंड ईथर और क्लोरोफॉम दोनों में से कोई एक लेना है जिसको आपको ऐड करना, करना है मिक्स करना है विद सफेक्टेंट एंड कोलेस्टेरॉल ठीक है सो इट विल बी इन सिमिलर रेशियो अगर आप टू इज टू टू आइर टू इज टू टू और वन इज टू वन या थ्री इज टू वन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी सिमिलर ठीक है दोनों को आपको मिक्स करना है और इस मिक्सचर में आपको, आपको डालना है ड्रग और ड्रग जो आपने डिजोल्व किया है आपके एक्वास सोल्यूशन में फिर आपको सोनिकेट करना है एट फोर टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सोनिकेशन के बाद आप डालोगे पी बी एस वॉट इज पी बी एस पी बी एस इज नथिंग बट फॉस्फेट बफर सोल्यूशन एंड दोबारा आप सोनिकेट पी बी एस डालने के बाद फिर से आप सोनिकेशन करेंगे फिर ऑर्गेनिक सोनी यहाँ पे सोनिकेशन करते हैं आपका ऑर्गेनिक फेस जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में रिमूव हो जाएगा रिमूव होते ही आपको आपको मिलेगा अभी एक विस्कस न्यूज़ोम सस्पेंशन ठीक है जो सस्पेंशन मिलने के बाद आप डाइल्यूट करोगे विद पी बी एस पी वी एस इज अगेन आई एम टेलिंग पी वी एस इज फॉस्फेट बफर सोल्यूशन सो फॉसफेट बर्फर सोल्यूशन इफ इट इज रेडी फाइन अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर इट सेपरेटली नेक्स्ट ये जो विस्कस न्यूजोम सस्पेंशन आपका बनेगा जिसको हमने डाइल्यूट किया है विद पीवीएस, उसको आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर 10 मिनट्स आपको हीट करना है ऑन वाटर बाथ सो वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स एंड यू विल गेट योर न्यूजोम्स फाइन सो दिस इज़ योर रिवर्स फेज एवापोरेशन टेक्निक दैट वॉज योर इथर इंजेक्शन इथर इंजेक्शन में एक इंजेक्शन यूज़ करके हम इथर सोल्यूशन में इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर हैंड शेकिन मैथ डैट इज सिमिलर लाइक लाइपोजोम्स रोटेटरी एवापोरेटर यूज करके हम फिल्म फॉर्म करेंगे फिल्म फॉर्म करने के बाद हाइड्रेट करेंगे हाइड्रेट हाइड्रेट करने के बाद आपको न्यूजोमल यहाँ पे पहले हमको मिलता था लाइपोजोमल सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूजोमल डिस्पर्शन ठीक है डिस्पर्शन मतलब फैलना स्प्रेड होना दैट इज नोन एज न्यूजोमल डिस्पर्शन सो दिज दिज आर द फर्स्ट थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग दिस इज हैंड शेक इन सोनिकेशन एंड रिवर्स फेथ मेथड ओके बिफोर द इथर इंजेक्शन हैज़ कम सो दिस आर द दिस इज द फर्स्ट थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग योर Uh, preparing your preparing your uh, neosomes, so reverse phase evaporation technique, and these are the references for your neosomes, and thank you so much.